गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी, बताइए कैसे हो। और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कैसे हो आप सभी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे हो, कैसे हो आप सभी। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो कल जैसा कि हमने क्या किया था, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉफीज़ की थी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और पोलो, इन सब गेम्स की जो ट्रॉफी या कप है वो हम कर चुके थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस के थ्रू जो पार्ट हमारा बच गया है ट्रॉफी वाला उसे कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके पास। चलिए जी, सब बढ़िया। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट में दी जाती है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है जी। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि इसका क्या आंसर है। ऑप्शन है आपके पास ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स, ICC टेस्ट कैप्टन अवार्ड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड या फिर टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आंसर दीजिए कि जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है उसका दूसरा नाम क्या है, ये बताना है आपको। अच्छा जूम किया जाए, लो ये लीजिए। अब आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, जो सर गारफील्ड थे वो कौन थे, किसके नाम पर है ये। वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर थे। कहाँ के, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर, ठीक है, उनके नाम पर ये ट्रॉफी है सर गारफील्ड। जो विराट कोहली हैं वो ये ट्रॉफी यानी कि ये अवार्ड दो बार जीत चुके हैं इंडियंस में। और जो सबसे पहली दी गई थी वो किसे दी गई थी, राहुल द्रविड़। इसका आंसर दीजिए, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स कहा जाता है। 2017 और 2018 में किसने जीती थी, विराट कोहली, किसने, विराट कोहली। और 19 में बेन स्टोक्स, कौन, बेन स्टोक्स, उन्होंने जीती है। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए कि बेंसन हेज कप किस खेल से संबंधित है, बेंसन हेज कप किस खेल से संबंधित है, ये बताइए जी। जल्दी से आंसर दीजिए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इसका आंसर दीजिए। बेंसन हेज कप किस खेल से संबंधित है, बताइए, बताइए किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल जी। तो किससे संबंधित है ये, ये है आपकी क्रिकेट से संबंधित, किससे, क्रिकेट। तो कल हमने बहुत सारे नाम याद किए थे, किसके, क्रिकेट की ट्रॉफीज़ के। कैसे याद किए थे, रईस सूजी गुलाम दुलीप को दो झांसा दे गई, क्या दे गई, झांसा, है ना। तो उससे हमने क्या क्या नाम याद किए थे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू, GC मेमोरियल, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी किससे संबंधित है आपकी, क्रिकेट से संबंधित है। आगे चलिए, देखो बैडमिंटन वाला टॉपिक कल रह गया था, बैडमिंटन से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ है ना वो कल आपकी रह गई थी, उनको अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, जो बैडमिंटन है उससे रिलेटेड जो कुछ एक ट्रॉफीज़ हैं वो कौन कौन सी है, ध्यान से समझना। थॉमस कप, कौन सा कप, थॉमस कप, हीरालाल कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप, नारंग कप और चड्डा कप, ये सब किससे संबंधित है,
बैडमिंटन, मैंने क्या किया है, जो कुछ लेटर्स हैं उनको अलग से कलर किया हुआ है, किया हुआ है ना, तो क्यों किया है, जिससे कि आप इनसे याद करो। तो कैसे याद करोगे, क्लास को शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। तो देखो, थॉमस नाम का एक लड़का, क्या थॉमस नाम का लड़का, किसकी ट्रिक है ये है आपकी बैडमिंटन ट्रॉफीज, लाल बेर खाकर, क्या लाल बेर खाकर दीवानों की तरह नाचा, क्या दीवानों की तरह नाचा या नाचने लगा, ठीक है। तो इससे आपको कैसे याद होगा, तो वो देखिए आप, पहला है थॉमस, तो हो गया आपका थॉमस कप, दूसरा है हीरा लाल, तो लाल से क्या हो जाएगा, हीरा लाल कप, उसके बाद आता है बेर, यानी कि उबेर कप, क्या उबेर कप, उसके बाद आता है आपका दीवानों, यानी कि अमृत दीवान कप, जिसमें दीवान आ जाएगा वो बैडमिंटन ट्रॉफी, ना से आएगा आपका नारंग कप, क्या कप नारंग, और चा से आ जाएगा चड्डा कप। क्लियर है, इतना आया समझ, समझ आया, ठीक है। तो थॉमस लाल बेर खाकर दीवानों की तरह नाचने लगा, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। ये किसकी है, बैडमिंटन, बैडमिंटन। चलिए इसका आंसर दीजिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम स्वतंत्र भारत में टेस्ट मैच की मेजबानी करने वाला पहला स्टेडियम था, यानी कि किस स्टेडियम में जो पहला आपका टेस्ट मैच हुआ था वो बताना है आपको। जिमखाना ग्राउंड मुंबई, फिरोजशाह कोटला, ईडन गार्डन, एमए चिदंबरम स्टेडियम, आंसर दीजिए जी, आंसर दीजिए, और क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो और इसका आंसर दो। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है आपका फिरोजशाह कोटला, क्या फिरोजशाह कोटला दिल्ली, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन स्टेडियम का आ गया बीच में, ये देखिए, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, कल मैंने आपको फुटबॉल के कप कराए थे, तो अच्छा आंसर बता दिया, डुरंड कप बताइए किस से संबंधित है, फुटबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस या फिर हॉकी, बताइए डुरंड कप। और हाँ, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आपकी, उसके चेयरमैन कौन है, कौन चेयरमैन, ये पूछा था कि चेयरमैन कौन है ये बताना है आपको, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला शशांक मनोहर, जो कि गलत उत्तर है, वो क्या कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, और अभी कौन है, इमरान ख्वाजा, कौन इमरान ख्वाजा, ठीक है, अंतरिम चेयरमैन है वो, इंटरिम। और मनु सहानी कौन है, सीईओ, कौन सीईओ, इसका उत्तर बताइए। फुटबॉल जी, क्या है डुरंड कप, फुटबॉल, और कौन कौन से कप होते हैं, आपकी संतोष ट्रॉफी होती है ना, जो कि नेशनल ट्रॉफी होती है इंडिया की। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही से नहीं मिला है, यानी कि राइट मैचिंग नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्री का नाम है, क्या है कंट्री का नाम है, और यहाँ पे उसका नेशनल गेम, आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यूएसए बेसबॉल, पाकिस्तान फील्ड हॉकी, चाइना टेबल टेनिस या फिर सभी सही है, बताइए जी, आंसर दीजिए। इमरान ख्वाजा याद रखना, करंट अफेयर पढ़ा करो सुबह 6 बजे,
इमरान ख्वाजा, आईसीसी के इंटरिम चेयरमैन जी, ऑल आर करेक्ट। जो लेट हो गया कोई बात नहीं, अभी देखिए जो सभी हैं वो सही हैं। यानी कि जो यूएसए है उसका नेशनल गेम क्या है? बेसबॉल। पाकिस्तान हॉकी, चाइना टेबल टेनिस, और ये सभी सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, हॉकी को माना जाता है, ठीक है, है नहीं ऑफिशियली लेकिन हम लोग उसे मानते हैं। क्लियर? ये कल मैंने पूरा बताया था कि क्यों मानते हैं और क्यों नहीं है। चलिए ये देखिए, ये कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं। क्या है? पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय खेल। अफगानिस्तान क्या है? बुजकसी। बुजकसी क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। इसमें एक बकरी को पकड़ने के लिए घोड़े पे बैठ के एक तरह से, जैसे वो नहीं होता हमारे यहाँ क्या बैल वाला जो होता है कि उसके सींग में सिक्का बांध देते हैं, वैसे वाला कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। ये कहाँ का है आपका? ये है आपका अफगानिस्तान का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। भूटान ये देखिए, ये है भूटान का राष्ट्रीय खेल, यानी कि आर्चरी। चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। आगे चलिए, याद रखना कि कौन से देश का कौन सा है। नेपाल वॉलीबॉल, पाकिस्तान हॉकी। क्लियर? और इंडिया का हमने बता ही दिया। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए पीडीएफ आज अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ। हाँ, पिंग पोंग यानी कि टेबल टेनिस। इसका आंसर दीजिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी या टेनिस। बताइए किस खेल से संबंधित है। हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम मानते हैं हॉकी को, तो हॉकी ही करके आना है। इंडिया का नेशनल गेम माना जाता है ऑफिशियली। जो खेल मंत्रालय है उसने आंसर दिया था आरटीआई का कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी, मतलब कोई भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पोर्टल पे भी क्या सिंबल दिया गया है? हॉकी का सिंबल है और हम हॉकी को मानते हैं, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। चलिए जी बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स, तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी, ठीक है। इसे वेल्स ट्रॉफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्स ट्रॉफी। एम विजय कृष्ण मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, बताइए जी, क्लास को शेयर कर दीजिए और आंसर दीजिए। बताइए, एम विजय कृष्ण मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉर्स रेस या फिर आपका पोलो। बताइए, एक जो क्लास होगी आपकी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जो रहे हैं आपके जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक, उसकी भी होगी, ठीक है। अभी इसका आंसर दीजिए। हाँ, जिसने भी आंसर दिया क्या हॉर्स रेस, उसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। एम विजय कृष्ण मेमोरियल कप हॉर्स रेस से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेल खेला जाता है। कल बताया था कि जो हमारा टेनिस है उसमें चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होते हैं? चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और एक होता है आपका फ्रेंच ओपन। चार होते हैं, जो चारों के चार होते हैं वो अलग अलग ग्राउंड पे खेले जाते हैं। तो किस किस पे खेले जाते हैं कल बताया था, अभी इसका आंसर दीजिए कि हार्ड कोर्ट पे कौन सा खेल खेला जाता है। बताइए, आंसर दीजिए।
आंसर दीजिए। तो देखिए, मैंने कल बताया था क्या, डब्लू जी, क्या बताया था, डब्लू जी। तो जो डब्लू जी का मतलब है, जो विमंडल है आपका, ये आपका घास के मैदान पर यानी कि ग्रास पर खेला जाता है, ठीक है। जो फ्रेंच होता है वो क्ले, किसके ऊपर, क्ले ग्राउंड पे। और जो यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं वो आपके किस पे खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट है आपका, अच्छा जो टेनिस है, डेविस कप हो गया आपका, डेविस कप, फेड कप, ये सब किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, बताइए, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, आंसर दीजिए, मुरुगप्पा गोल्ड कप। जो प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी है उसका आंसर मैंने बिल्कुल सही दिया, हॉकी के लिए होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए जी, मुरुगप्पा किसके लिए है जी, आपके हॉकी के लिए, किसके लिए, हॉकी के लिए, ठीक है। और कौन कौन सी होती है, रंगास्वामी, इंदिरा कप, नेहरू कप, ठीक है, ये सब किसके लिए होती है, आपकी हॉकी के लिए होती हैं। नेक्स्ट है आपका, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, रोवर्स कप, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो रोवर्स कप बता दीजिए कि किस खेल से संबंधित है, आपका रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, आंसर दीजिए, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। क्लास को शेयर कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। हाँ, ध्यानचंद ट्रॉफी भी दी जाती है हॉकी में, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी भी दी जाती है हॉकी में। चलिए, तो ये किससे संबंधित है आपका रोवर्स कप, बताइए, आंसर नहीं आया अभी, फुटबॉल दिखाई दी, किससे संबंधित है आपका, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैडमिंटन, इनमें से कौन सा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, बैडमिंटन से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। अभी अभी मैंने आपको बैडमिंटन की क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी, है ना, बताई थी ना, बैडमिंटन की ट्रिक बताई थी। तो इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से, आंसर दीजिए। देखो क्या लिखा है, उबेर कप, उबेर कप, योनेक्स कप, वोकर कप या थॉमस कप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोकर कप, जो योनेक्स कप होता है, ये भी आपका बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। तो मुझे ये बता दो, ये बताना अभी कमेंट करके, कि जो वोकर कप है वो किससे संबंधित है, वोकर कप किससे संबंधित है, बताइए। ऑप्शन है आपके पास गोल्फ या फिर पोलो, बताओ किससे संबंधित है, वोकर्स कप किससे संबंधित है, उत्तर दीजिए कमेंट करके, आंसर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, या लाइक करने से कुछ हो जाता है तो मत करिए, है ना, डिसलाइक कर दो या फिर लाइक कर दो। चलो हाँ जी, आंसर दीजिए, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल को दी जाती है, और जो वॉकर्स कप था आपका वो गोल्फ से संबंधित है, ये बताइए कि जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो किस खेल में दी जाती है, आंसर दीजिए कमेंट, देखती हूँ मैं, आंसर दो, आंसर दो, वेलिंगटन ट्रॉफी, हाँ, राइडर कप और आपका वॉकर कप, ये किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। चलिए जी बताइए, इसका आंसर दीजिए,
स्पेलिंग गलत लिखी है, जिसने भी लिखा उसका आंसर सही है क्या? रोइंग किससे संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी, रोइंग, ठीक है, रोइंग से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित कौन सा है? अभी हमने दो बात कर ली, वॉकर्स, ठीक है, और एक आपने बताया था राइडर, ठीक है, वॉकर कप और राइडर कप, ये गोल्फ से संबंधित है। इनमें से कौन सा गोल्फ से संबंधित है ये बताना है आपको, बताइए जी, बताइए कौन सा गोल्फ से संबंधित है, आंसर दीजिए। अच्छा, अभी एंड में हम आज एक स्टेट भी करने वाले हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ द डे, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है आपका स्टेट ऑफ द डे। इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए। अच्छा, आज डे कौन सा है? तो आज कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट डे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। कल आई थिंक आपका फोटोग्राफी डे होगा, तो कल हम कवर करेंगे। अभी मुझे ये बताइए कि जो आपका गोल्फ से संबंधित कौन सा है। ए ए जी, वेरी गुड। क्या ऑगस्टा मास्टर्स, ये किससे संबंधित है आपका? गोल्फ से संबंधित है। उबेर किससे संबंधित है? उबेर किससे संबंधित है? उबेर आपका बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए, देखो देखो, अच्छा ये स्टेट आ गया उड़ीसा। चलो उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा अबाउट ट्रॉफी, हो गई हमारी, सुन लेना ध्यान से, ट्रॉफी और कप जो है आपके, आई थिंक मोस्टली सारे हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आती है आपकी टूर्नामेंट्स, क्या टूर्नामेंट्स, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जो भी आपके, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उन सबको हम टूर्नामेंट्स में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका प्लेयर्स और स्पोर्ट्स, यानी कि कौन सा खिलाड़ी, जैसे कि अभी ना बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो डोपिंग चार्जेस में उनको बैन किया जाता है, जो न्यूज़ में आते हैं करंट अफेयर, ठीक है, तो उनको भी क्या करेंगे हम इसी में क्या करेंगे आपका कवर करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स और प्लेयर्स हो गए, एक रहेगा आपका स्टेडियम्स, इम्पोर्टेंट क्या स्टेडियम्स ऑफ इंडिया, भारत में कौन कौन से स्टेडियम है जो इम्पोर्टेंट है, और जो आउट ऑफ इंडिया है उनको भी, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। उसके बाद आता है आपका आगामी होने वाले खेल, यानी कि अपकमिंग इवेंट्स कहाँ पर होंगे, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी में हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, तो इससे पहले कहाँ पे हुआ था, कौन से देश ने जीता, सारे फैक्ट हम इसी में कवर कर लेंगे। उसके बाद एक सेशन होगा आपका करंट अफेयर रिलेटेड, पूरा सीए रिलेटेड स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, जो भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में रहा होगा, न्यूज़ में रहा होगा, कब से कब तक का, जनवरी से लेके आपका अगस्त, मतलब जुलाई 15 अगस्त लगा लो आप, वहाँ तक का हम कवर करेंगे। हाँ देखो, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना आपके, वो भी हम कवर करेंगे किसमें, जिस दिन हम आपको स्टेडियम्स कराएंगे। स्टेडियम्स बहुत सारे नहीं है, आधे घंटे में पूरे याद हो जाएंगे, तो जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें हम किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो स्पोर्ट्स वाला टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ रहता है तो आप मुझे बता दो अभी। अपकमिंग पहले कराओ, देखिए जी, ये जितने भी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इस वीक में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको सिर्फ क्या चीज़ें याद करनी है, डेली जो आपका आएगा। अच्छा, हम वो भी करने वाले हैं, एशियन गेम्स हो गए आपके, ओलंपिक हो गए,
ये सब भी हम कॉमनवेल्थ हो गया, ये भी हम कवर करेंगे। चलिए जो आज का स्टेट है आपका, तो मैंने आपको ये बताया है कि हम इस वीक में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो पढ़ लो, ठीक है, क्लास को शेयर कर दो, पढ़ लो प्लीज़। देखो जो स्टेट है हमारा वो है क्या, उड़ीसा, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपका आज का स्टेट है, स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, स्टैटिक जीके इज बेस्ड ऑन फैक्ट, आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्ट याद करने पड़ेंगे। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो आपको वहाँ की सभी स्टेट के जितने भी हैं हमारे स्टेट या यूटीज उनके CM, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा की सीट, वहाँ पे नेशनल पार्क हो गए, वहाँ के स्टेट सिंबल्स, ये चीज़ें तो आपको याद रहनी चाहिए। अरे वर्ड्स भी हो जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स भी हो जाएंगे, यानी कि टर्म्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स भी आपकी हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो देखो जो उड़ीसा है वहाँ के जो CM है वो है नवीन पटनायक। कौन? नवीन पटनायक। जो राज्यपाल है आपके वो है गणेशी लाल। कौन है जी? गणेशी लाल। चलिए ये है आपका उड़ीसा, ठीक है, क्या है आपका उड़ीसा, मैप अगर इच्छा हो तो बता देना, पढ़ लेंगे अच्छे से। जो लोकसभा है, लोकसभा देखो CM कौन है, नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है, गणेशी लाल, लोकसभा की जो सीटें हैं वो है आपकी 21, कितनी 21, राज्यसभा की कितनी है 10, कितनी है 10। अब आते हैं आपके स्टेट सिंबल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी देखिए, जिसको बकवास लगे तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत क्लास को छोड़ के यहाँ से चला जाए। चलिए ये देखिए, ये है आपके स्टेट सिंबल्स, जो आपका एनिमल है, टाइम वेस्ट क्यों करना, अगर आपको बेनिफिशियल ना लगे तो क्यों टाइम वेस्ट करके यहाँ पे कमेंट करते हो। चलो देखो जो एनिमल है वो है आपका सांभर, ये रहा, ठीक है, और जो बर्ड है वो है इंडियन रोलर बर्ड, क्या, इंडियन रोलर बर्ड। जो फ्लावर है वो है अशोका, और जो ट्री है वो है अश्वथा, ये रहा ट्री आपका, ठीक है, इनको याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती हूँ, अभी आपका करंट अफेयर में एक न्यूज़ रही थी, उड़ीसा ने, किसने, उड़ीसा का जो सॉन्ग है यानी कि गान वो कौन सा है, बताइए। उड़ीसा ने अभी अभी अपना जो है राज्य का एक गान यानी कि सॉन्ग अडॉप्ट किया है, उसका नाम बताइए, बताइए उसका नाम। पॉलिटी वाला सेक्शन अलग से करेंगे, जैसे इस वीक में आपका स्पोर्ट्स हो जाएगा तो जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसमें कोई एक टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी उठाया और उसको पूरे को कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए जी बताइए, बताइए क्या नाम है, तो जननी उत्कल बंदे ऐसे करके नाम है, ठीक है, क्या है वो, उड़ीसा का राज्य का गान है। ये बताइए कि जो उत्कल दिवस है, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, उत्कल दिवस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्कल दिवस, बताइए कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से। ये दोनों जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इनके आंसर दो। आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ 1 अप्रैल 1936, ठीक है, 1 अप्रैल 1936। और हमने पढ़ा था जब टेंपल्स पढ़े थे कि जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चलिए इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है,
जो आपका पुरी है वो भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फेमस आपकी चिल्का लेक, ये भी उड़ीसा में है। और भीतरकनिका मैंग्रोव या फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। उसके अलावा सिमलीपाल, क्या सिमलीपाल, ये भी आपका उड़ीसा में है। बंदे उत्कल जननी, ये नाम है गान का, ठीक है? इतना याद हुआ आपको। उड़ीसा के सीएम, गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ के स्टेट सिंबल, उसके बाद में टेंपल, चिल्का लेक, भीतरकनिका नेशनल पार्क, और अभी हम देखते हैं वहाँ की आर्ट फॉर्म्स। तो देखो इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। क्या जीआई टैग? तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट। उड़ीसा की जो मिठाई है वो क्या है, रसोगुल्ला। क्या रसोगुल्ला, इसको भी क्या मिला हुआ है आपका, जीआई टैग। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। जो पेंटिंग है पट्टा चित्र, क्या पट्टा चित्र। जो नृत्य है वो है आपका ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी क्या है, उड़ीसा का नृत्य है जी। क्लियर है, इतना समझ आया। ओडिसी क्या है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य यानी कि लोक नृत्य है। और कब था उत्कल दिवस, 1 अप्रैल 1936। ये है उड़ीसा के क्या फोक डांसेस, कौन कौन से, छऊ नृत्य। क्या छऊ नृत्य, जिसे हम मास्क डांस भी कहते हैं। मेधा नाच, डंडा नाटा, चंगू नृत्य, कर्मा नृत्य, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। अश्व नृत्य, बांस रानी या फिर डलखाई। अच्छा, एक और फेस्टिवल का नाम है क्या, नुआ खाई। कौन सा, नुआ खाई, ये किस राज्य का है, ये भी आपका उड़ीसा का है, ठीक है? कहाँ का है, उड़ीसा का है। चलिए अब है आपके जीआई टैग। क्या है जीआई टैग जी? अब क्या है आपका जीआई टैग्स, देखो अभी हाल ही में खोला मिर्ची, किसको, खोला मिर्ची और एक बनाना है जिसको जीआई टैग मिला है। तो आप उन दोनों के क्या करने हैं, जो दो प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिले हैं उनके नाम बताने हैं और वो किस स्टेट के हैं ये बताना है, ठीक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में, देखो जो छऊ नृत्य है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तीनों राज्य में मनाया जाता है, ठीक है? हाँ, जो कोणार्क टेम्पल है वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या कर चुकी हूँ, गोल्डन ट्रायंगल की भी बात हमने की थी। कोणार्क टेम्पल, पुरी और भुवनेश्वर क्या बनाते हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए देखिए जो नेक्स्ट है आपके वो है उड़ीसा के जीआई टैग, कौन कौन से हैं। कोट पेड क्या है वहाँ का, हैंडलूम, हस्तशिल्प, इसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। कोणार्क स्टोन की नक्काशी, यानी कि जो कोणार्क टेंपल है वो जो बना हुआ है उसके स्टोन की जो नक्काशी है उसको भी क्या मिला है आपका, जीआई टैग मिला हुआ है। पटचित्रा पेंटिंग जो अभी हमने पढ़ी थी, साड़ी और कपड़े, खंडुआ नाम की साड़ी और कपड़े को भी क्या मिला है, जीआई टैग। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कंदमाल हल्दी, कौन सी हल्दी, कंदमाल हल्दी। उड़ीसा का रसोगुल्ला, क्या रसगुल्ला यानी कि रसोगुल्ला, उसे भी क्या मिला है आपका, जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए तो ये था आपका आज का स्टेट, कौन सा, उड़ीसा। तो अभी आपको जो बताना है वो ये बताना है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, वेलिंगटन ट्रॉफी, वेलिंगटन
ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? ठीक है जी, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 2019 में सर गारफील्ड ट्रॉफी के विजेता कौन थे, किसको मिली थी, ये बताना है। एक बार फिर से बता देना कि आईसीसी के चेयरमैन कौन हैं, किसी को भी नहीं पता था कौन है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, क्लियर। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपका मुरुगप्पा, कौन सा मुरुगप्पा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो आपका फेड कप होता है, कौन सा फेड कप, वो किस खेल के लिए है और मेल के लिए होता है या फीमेल के लिए, क्लियर। और डेविस कप ये किस खेल से संबंधित है, ये मेल के लिए होता है या फीमेल के लिए, ये भी बताना है आपको। ये बताना कि उड़ीसा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, क्लियर। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देना अच्छे से जी। तो जो कल क्लास होगी, डेविस और फेड कप का बताना, और हाँ ये भी बता देना कि जो हमारे चार वो हैं ग्रैंड स्लैम हैं, क्या हैं, चारों के चार ग्रैंड स्लैम वो कब कब आयोजित होते हैं, यानी कि आपको उनकी सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले कौन सा होता है, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा और फोर्थ पे कौन सा, और उनके विनर्स कौन कौन हैं, ये भी बताना है उनके विनर्स कौन कौन हैं, मेल फीमेल दोनों। और एक ये बताना है कि हरियाणा के उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने डायरेक्ट एंट्री ली है, किसमें, यूएस ओपन में, ठीक है, उसका नाम भी बताना है। और दो जीआई टैग प्रोडक्ट जो अभी बने हैं उनका नाम बताना है। तो जो कल क्लास होगी उसमें हम स्टेडियम करेंगे, क्या कल जो क्लास होगी उसमें स्टेडियम करेंगे, और जो आपके स्पोर्ट है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, चलो स्टेडियम क्या करेंगे, स्टेडियम नंबर ऑफ प्लेयर्स और टर्म्स, यानी कि उस खेल से संबंधित इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होती है, यानी उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, क्लियर है। तो ये जो जितना आज पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लेना, सैटरडे को क्या होगा, टेस्ट होगा, संडे को नहीं, टेस्ट होगा आपका सैटरडे को, क्लियर। तो कल मिलेंगे सुबह 9 बजे इन टॉपिक्स के साथ, तो अच्छे से पढ़ के आना, जो पढ़ाया उसको रिविज़न कर लेना, ओके। क्लास को शेयर कर देना और लाइक कर देना, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।